Java features are uh, Java is robust, okay. So why we are saying that Java is robust programming language? Can anybody tell me? Sir, garbage collection? Uh, yes, uh, you can say that. Uh, as uh, there is, uh, uh, we can say uh, garbage. कलेक्शन मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड बाय जेवीएम अब ये जेवीएम क्या है ये हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में सो जे वी एम क्या होता है जेवीएम का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे जेवीएम में क्या क्या चीज़ें आती है ठीक है सो जब भी हम जावा इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में वो जेवीएम इंस्टॉल हो जाता है और वो जेवीएम जो है वो खुद में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा काम करता है ठीक है सो वो जेवीएम में एक कॉन्सेप्ट होता है गार्बेज कलेक्शन सो गार्बेज कलेक्शन क्या करता है कि uh, uh, मतलब uh, आपके जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है अब ये ऑब्जेक्ट क्या क्लास क्या ये सब ऑफकोर्स आपको आगे के लेक्चर्स में आपको पता चलेगा ठीक है लेकिन अगर आपने कोई कोड लिखा और ऑब्जेक्ट आपके सिस्टम में स्टोर्ड है और बहुत दिनों से आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं किया वो अनयूज है सो तो गार्बेज कलेक्शन नाम का जो मैकेनिज्म होता है जावा का वो क्या करता है अनयूज ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली खुद होकर रिमूव करता है ठीक है मतलब मेमोरी भी फ्री रहे ठीक है सो तो हम बोल सकते कि ये गार्बेज कलेक्शन की वजह से एक प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट होता है आ, आपके सिस्टम में ठीक है और बिकॉज ऑफ दिस गार्बेज कलेक्शन मेमोरी मैनेजमेंट आप प्रॉपरली इफिशेंट वे में आपका जे खुद करता है आपको भी करने की ज़रूरत नहीं और दैट्स वाई वी कैन से दैट जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज ठीक है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो जाते हैं इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि जावा एक रोबस्ट uh, लैंग्वेज uh, है ठीक है एंड देयर आर सम पॉइंट्स विच एक्चुअली प्रोवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग ठीक है एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब क्या होता है uh, कि हम रन टाइम जो एरर्स है उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते यस yes, ऑफकोर्स ये अपने uh, uh, अपने सिलेबस में आगे आएंगा जब ये पूरा आखिरी आखिरी में एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम कैसे जावा का कोड करते वो भी आपको देखना है ठीक है सो एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड के वजह से अगर आपका प्रोग्राम uh, के रन टाइम पर भी अगर कोई एरर आता है तो उसको भी हम ऐसा एरर मैसेज दिख दिखाने की जगह एक प्रॉपर वे से उसको हैंडल कर सकते सो एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से भी आपके यूजर को डायरेक्टली एक एरर नहीं दिखेगा आउटपुट स्क्रीन पे बराबर सो एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से भी हम बोल सकते कि इज़ इस... रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है सो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स uh, है लाइक गार्बेज कलेक्शन मेमोरी मैनेजमेंट और एक्सेप्शन हैंडलिंग इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये uh, ये कॉन्सेप्ट जावा प्रोवाइड करता है दैट्स वाई वी कैन से दैट जावा इज रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है देन मल्टी थ्रेडेड सो वॉट इज मीन बाय मल्टी थ्रेडेड एक्चुअली अगर हम uh, बात करें uh, अगर आपको थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है सो तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब टू ऑपरेटिंग सिस्टम आर डेवलप्ड यूजिंग कॉन्सेप्ट मल्टी टास्किंग मल्टीटास्किंग ठीक है मल्टीटास्किंग मतलब क्या अभी आप देखो ना यहाँ पे मैं भी मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ ना विंडोज पे एक जगह पे मेरा गूगल मीट चालू है एक जगह पे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चालू है ठीक है ये मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ पेन डैब यूज कर रहा हूँ ठीक है so, सो ये चार पाँच चीज़ें मैं एट ए टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ ठीक है सो दिस इज़ नोन एज मल्टी ठीक है सो so, फिर क्या आ, क्या फिर मैं जावा में मल्टीपल टास्क या मल्टीपल कोड को साइमल्टेनियसली रन कर सकता हूं मल्टीटास्किंग टास्किंग मतलब एट ए टाइम मल्टीपल चीजें एग्जीक्यूट हो रही है ठीक है सो उसको कहेंगे मल्टीटास्किंग ठीक है सो वी कैन अचीव मल्टीटास्किंग इन जावा मींस इन जावा के टर्म्स में मल्टीटास्किंग अचीव करना मतलब क्या कि वी कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियस वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली मतलब वन uh, 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 मतलब uh, uh, एक के बाद एक क्या, करने की जरूरत नहीं हम साइमल्टेनियसली ही मल्टीपल uh, प्रोग्राम्स को क्या कर सकते एग्जीक्यूट कर सकते और ये हमें मिलता है बिकॉज ऑफ कंसेप्ट मल्टी थ्रेडिंग सो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली क्या कर सकते रन कर सकते मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम क्या कर सकते एग्जीक्यूट कर सकते साइमल्टेनियसली सइमल्टेनियसली हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मतलब मल्टीटास्किंग कर सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग ठीक है सो जावा इज़ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल जावा प्रोग्राम्स सैमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग ओके सो वी कैन से दैट जावा इज यूज टू परफॉर्म मल्टीटास्क ओके सो हम बोल सकते हैं ठीक है सो जावा इज मल्टी थ्रेडेड आई होप की सबको पॉइंट समझ में आए ठीक है देन जावा इज हाई परफॉर्मेंस ठीक है सो हाई परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हम क्यों बोल रहे हैं बिकॉज जावा जो है uh, जो यूज करता है जावा का कंपाइलर ठीक है उसको कहा जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर ठीक है और ये जो कंपाइलर है ये जो फिलोसॉफी यूज़ करता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये सी सी पी पी के जो कंपाइलर है उससे थोड़ा फास्ट कंपाइल करता है ठीक है सो वी कैन से दैट कि जावा कोड गेट एग्जीक्यूटेड फास्टर देन सी एंड सी प्लस प्लस कोड बिकॉज ऑफ दिस जस्ट इन टाइम टाइप कंपाइलर विच जावा यूज जावा मतलब जे वी एम जो है वो यूज़ करता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसकी वजह से जावा का कोड कंपाइल फास्ट होता है एज़ कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट्स वा वी कैन से Uh, uh, एग्जीक्यूट हो गया हो गया फिर जो कोड है वो एग्जीक्यूट कौन करने वाला है इंटरप्रिटर क्योंकि वो जो है वो डॉट क्लास फाइल दैट इज बिट कोड फाइल को एग्जीक्यूट करता है सो बीट कोड फाइल एकदम से uh, ई एक्सी फाइल से ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होंगी अपनी बीट कोड फाइल क्यों क्योंकि ऑलरेडी वो कंपाइल्ड हो चुकी है सो so, यहाँ पे अभी उसको बस क्या होना है जो ऑलरेडी कम्पाइल्ड कोड है उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर को हमारे जावा के एग्जीक्यूट करना है सो so, हमारे ये जो बाइट कोड्स होते हैं ये मतलब हमारे जो बाइट कोड फाइल है जिसको हम डॉट क्लास फाइल बोलते हैं ये बाइट कोड फाइल एग्जीक्यूट्स फास्टर ठीक है एग्जीक्यूट फास्टर देन अदर एग्जीक्यूटिबल फाइल्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस ठीक है सो so, हम बोल सकते हैं कि जावा जो है हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज ये जो कम